हाय हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे, वन शॉट में एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और वन शॉट में ही इसे कम्प्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ सके और लाइव डिस्कशन कर सके, जिसमें हम लोग क्या कर सके, सारा जो लाइव इंटरेक्शन होगा, जिसमें डाउट क्लियर भी, यानी कुछ पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा तो उसे दोबारा भी समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़ जाइए और जो भी पिछला लेक्चर हो चुका है अपना, वो जा करके आप कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि नीट में जो एनसीईआरटी बायोलॉजी से ही 85+ क्वेश्चन आते हैं 90 में से, तो इसलिए हम लोग को एनसीईआरटी बुक को क्या करना है, रीड करना है और डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि इसके करने के बाद आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, मैं ये गारंटी लेता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और आपको साथ ही अब बने रहना होगा हमारे चैनल के साथ, जो भी अपना डिस्कशन हो आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग को एनसीईआरटी तो करना ही होगा भैया, नीट क्वालिफाई करने के लिए बिना एनसीईआरटी के कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना गंवाते हुए, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक ठोकिए। ठीक है, एज यू हैव रीड अर्लियर, जैसा ये बोल रहा है कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज होता है सारे ऑर्गेनिज्म के द्वारा टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, एमिनोसिन, फैटी एसिड्स, ईटीसी टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। क्या होता है, जो सारे ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूटिलाइज करते हैं। ऑक्सीजन का यूटिलाइज क्यों करता है, ताकि क्या हो सके, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, इसका क्या हो सके, ब्रेक डाउन हो सके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीडेशन हो सके। और जब ऑक्सीडेशन होगा, जब ये ब्रेक डाउन इसका होगा ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का, फैटी एसिड का, तो क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो एनर्जी जब रिलीज होगा तो इस एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो वेरियस फंक्शन में या वेरियस एक्टिविटीज में क्या करेंगे, इस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। तो वही बात है, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है, ताकि जो भी सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल हो, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड सब, वो उठ सके और उससे एनर्जी रिलीज हो सके, जिसके कारण हम लोग वेरियस एक्टिविटी, वेरियस फंक्शन शो परफॉर्म कर सकें। यानी सभी क्रियाकलाप एनर्जी पे ही डिपेंड है, इसलिए क्या होगा, ऑक्सीजन हम लोग को लेना जरूरी है, ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा, और एनर्जी रिलीज नहीं होगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिना एनर्जी के काम कर लीजिएगा क्या, नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द एबो कैटाबोलिक रिएक्शन, और इस कैटाबोलिक रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग तो एनर्जी लेते हैं, वह ऑक्सीजन लेते हैं और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ेंगे भैया, कार्बन डाइऑक्साइड हम क्यों छोड़ेंगे, दूसरा चीज़ भी छोड़ सकते हैं। तो ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ मॉलिक्यूल सबका, ग्लूकोज वगैरह का, उसके बाद उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उस रिएक्शन में, या निकलेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़िए, सल्फर ऑक्साइड छोड़ दीजिएगा, नहीं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेंगे, क्योंकि निकलता है रेस्पिरेशन के जो भी रिएक्शन है उसके दौरान प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ही छोड़ेंगे, जो कि हार्मफुल प्रोडक्ट है हमारे बॉडी के लिए, जिसे बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इट इज देयर फॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल, और इसलिए क्या है, जो हमारा बॉडी है और हमारे बॉडी का जो भी सेल है उसको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, ताकि वो क्या कर सके, सुचारू रूप से फंक्शन परफॉर्म कर सके। एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल हैव टू बी रिलीज्ड आउट, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है इस रिएक्शन के दौरान उसको बॉडी से बाहर भी निकालना जरूरी है, या कंटिन्यूसली ऑक्सीजन का लेना भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना भी जरूरी है। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हम जीवित रहेंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस बंद हो गया तो हम लोग क्या होंगे, मर गए, और मर जाएंगे तो सारा प्रोसेस ये बंद हो जाएगा, एक्सचेंज वगैरह। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाई द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। और ये जो सारा प्रोसेस है इसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या, एक्सचेंज होना, एटमोसफेयर से ऑक्सीजन का आना और हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन एटमोसफेयर में जाना, जो ये एक्सचेंज ऑफ गैस है। ठीक है, ये सारा जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ब्रीदिंग, और इसे कॉमनली रेस्पिरेशन से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं, जो एक्सचेंज होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन। ये बोल रहा है प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। ये बोल रहा है कि अपने हाथ को अपने सीने पर रखिए और आपको देखने को मिलेगा कि जो अपना चेस्ट है वो अप और डाउन मूव करता नजर आएगा।
ठीक है, करता है नजर आएगा। तो ये जो मूवमेंट है वो किस लिए मूवमेंट नजर आ रहा है, क्यों हमारा जो चेस्ट है मूव कर रहा है, ठीक है। तो यू नोट दैट इज ड्यू टू ब्रीदिंग, और हम लोग जानते हैं कि जो ये मूवमेंट है चेस्ट का अप और डाउन, ये ब्रीदिंग के कारण हो रहा है। और ये प्रोसेस हम लोग जान गए ब्रीदिंग क्या होता है और ब्रीदिंग के दौरान हम लोग क्या लेते हैं क्या छोड़ते हैं, ठीक है, ये पता चल गया। अब बात है कि हम लोग ब्रीथ कैसे करते हैं, सांस लेते कैसे हैं अब, ठीक है। हाउ डू वी ब्रीथ, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो यही हम लोग को मिलनी पढ़ना है इस चैप्टर में कि कैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं, कैसे हम लोग सांस लेते हैं, कैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं, ठीक है, और कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है और कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हमारे लंग्स तक पहुंचता है और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में पहुंचता है। ये सारा मैकेनिज्म हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है मिलनी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो क्या है, ऑर्गेन के बारे में जानेंगे और फिर इसका ऑर्गेन जानेंगे तो उसके बाद पाथवे जानेंगे कि क्या पाथवे है एक्सचेंज का। तो चलिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का डिफरेंट ग्रुप के एनिमल में क्या करता है, वेरी करता है। क्यों वेरी करेगा, क्योंकि उसका हैबिटेट अलग है, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग है, इसलिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो वेरी करता है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म्स, ईटीसी एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स है जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, इसमें जो एक्सचेंज होता है कि इसका ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और जो सिंपल डिफ्यूजन होता है इसके पूरे बॉडी सरफेस पे होता है, ठीक है। किसमें, स्पॉन्जेस में, सिलेंट्रेट्स में, फ्लैटवर्म्स में, जो क्या है लोअर इनवर्टिब्रेट्स है जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन होता है इसके इंटायर बॉडी सरफेस से होता है, ठीक है। अर्थवर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रेकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमोस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। अर्थवर्म के पास हम लोग जानते हैं कि अर्थवर्म क्या होता है, अपर जो क्या होता है लेयर होता है एपिडर्मल, उसके ऊपर क्यूटिकल का लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कैसा होता है, मॉइस्ट होता है, जो अर्थवर्म में क्या है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए उत्तरदायी है एंड डिफ्यूजन के लिए उत्तरदायी है, कौन, तो मॉइस्ट क्यूटिकल। जबकि इंसेक्ट में उसके अंदर देखिएगा तो नेटवर्क रहता है किसका, ट्यूब का, तो ट्यूब लाइक नेटवर्क रहता है। बहुत सारे और भी पाए जाते हैं, बुक गिल्स वगैरह भी इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब पाया जाता है, यानी कि ट्यूब का जाल बिछा रहता है जिसके कारण ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस होता है इसमें इंसेक्ट्स में। स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, गिल्स जिसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, जिसमें गिल्स प्रेजेंट होगा उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, वेयर एज, ठीक है। जो क्या होता है इसमें, तो मोस्ट ऑफ जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड मोलस्क होता है उसमें क्या होता है ब्रांचियल रेस्पिरेशन होता है। तो ब्रांचियल रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, तो गिल्स के द्वारा होता है, किसमें, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्का में। जबकि वैस्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड लंग्स, जिसे लंग्स के द्वारा होगा तो उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जबकि लंग्स के द्वारा किसमें, तो टेरेस्ट्रियल जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें लंग्स के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। जबकि गिल्स के द्वारा किसमें, एक्वेटिक किसमें, आर्थ्रोपोड्स में, मोलस्क में और इंसेक्ट्स में भी होता है, ठीक है, जबकि लंग्स के द्वारा टेरेस्ट्रियल में। एवं वर्टिब्रेट्स फिशेज यूज गिल्स वेयर एज एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, फिश आ जाता है और क्या आ जाता है, एम्फीबियन रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स ये सब आ जाते हैं। जबकि फिश में गिल्स के द्वारा होता है क्योंकि गिल्स एक्वेटिक है, ठीक है, तो एक्वेटिक है तो उसमें गिल्स के द्वारा होता है, बाकी एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड मैमल्स है इसमें लंग्स के द्वारा होता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि एम्फीबियन में तो जनरली लंग्स के द्वारा ही रेस्पिरेशन होता है, जबकि एक फ्रॉग है एम्फीबियन का एग्जाम्पल, जिसमें लंग्स के द्वारा तो होता ही है और साथ में क्या होता है इसका जो स्किन है मॉइस्ट स्किन उसके द्वारा भी क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, यानी कि रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, मॉइस्ट स्किन के द्वारा किसमें, फ्रॉग्स में, और साथ में फ्रॉग्स में लंग्स के द्वारा भी होता है और स्किन के द्वारा भी होता है। अगर स्किन के द्वारा होगा तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूटेनेशियस रेस्पिरेशन, ठीक है। गिल्स के द्वारा होगा तो ब्रांचियल रेस्पिरेशन, लंग्स के द्वारा होगा तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। ये सब हम लोगों को एग्जाम्पल याद रखने हैं। चलिए, अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या ऑर्गेन है और क्या क्या मैकेनिज्म है, क्या पाथवे है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ से कंसंट्रेट कीजिएगा और फोकस कीजिएगा, यहाँ पे मेनली हम लोग जानते हैं, टेंथ में पढ़ चुके होइएगा जो भी पाथवे है वगैरह, ठीक है। वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, ठीक है। हम लोग के पास क्या होता है, क्या होता है, तो एक एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होता है जो एक पेयर में रहता है, ठीक है, जो कहाँ पे रहता है, तो अपर लिप्स के ऊपर रहता है और बाहर की तरफ खुलता है, ठीक है।
इट लीड्स टू ए नसल चैम्बर थ्रू द नसल पैसेज, और ये नसल पैसेज के द्वारा नसल चैम्बर में खुलता है, ठीक है, कौन कौन, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है, द नसल चैम्बर्स ओपन इन टू द फेरिंग्स, ठीक है, और जो नसल चैम्बर है वो कहाँ पे ओपन होता है, तो फेरिंग्स में, और फेरिंग्स हम लोग जानते हैं कि कैसा पोर्शन है, तो कॉमन पैसेज है, ए पोर्शन ऑफ विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स कैसा है, तो कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड और एयर दोनों के लिए, ठीक है, कॉमन है, फूड भी इसी में खुलता है फेरिंग्स में, और एयर भी फेरिंग्स में ही जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा, द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इन टू द ट्रैकिया, और जो फेरिंग्स है लैरिंग्स के थ्रू कहाँ पे खुल जाता है, ट्रैकिया में, क्या हुआ, फेरिंग्स कहाँ गया, लैरिंग्स में, और लैरिंग्स के बाद कहाँ खुल जाता है, तो ट्रैकिया में, ठीक है। लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स, और हम लोग जानते हैं कि जो लैरिंग्स होता है वो कैसा होता है, कार्टिलेज का बना होता है, और इसे साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, क्यों, क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करता है, ठीक है, इसलिए लैरिंग्स को साउंड बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो भी हम आवाज़ करते हैं ये लैरिंग्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाई ए थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन टू द लैरिंग्स, ठीक है। जब हम भोजन करते हैं और भोजन को जब निगलते हैं तो उस दौरान क्या होता है, जो एपिग्लॉटिस होता है वो लैरिंग्स को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ढक लेता है, ताकि जो भोजन हो वो लैरिंग्स में नहीं जा सके, ठीक है। अगर लैरिंग्स में भोजन चल गया तो लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स में चला जाएगा तो ये क्या करेगा, जैसे हो जाता है ना वो ठीक वगैरह आ जाता है वो, ठीक है, लैरिंग्स में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एपिग्लॉटिस है, जो कि क्या करता है, कवर कर लेता है लैरिंग्स को भोजन के निगलने के दौरान। ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, ट्रैकिया जो होता है कैसा होता है, स्ट्रेट ट्यूब होता है जो कि मिड थोरेसिक कैविटी तक रहता है, ठीक है। ट्रैकिया कहाँ से, वो लैरिंग से बात खोला, और मिड थोरेसिक जो हमारा सीना है, चेस्ट है, यहाँ के मिड तक आता है, ठीक है। विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिक्स थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, इनटू ए राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। जो ट्रैकिया क्या किया, मिड थोरेसिक कैविटी तक आया, और यहाँ पे जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, जो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है 12 के नंबर में होता है, और उसके ऊपर होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा जो 7 के नंबर में होता है, ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है। तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे खुलता है, यानी आता है, और यहाँ पे डिवाइड कर जाता है दो ब्रांच में, और पहला क्या हो जाएगा, एक राइट पार्ट में जो जाएगा उसे राइट ब्रोंकाई बोलेंगे, और जो लेफ्ट पार्ट में जाएगा उसे लेफ्ट ब्रोंकाई बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, ट्रैकिया क्या कर गया, डिवाइड कर गया लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है, कहाँ पे, तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे। अगर थोरेसिक वर्टिब्रा करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फिफ्थ देंगे, अगर डायरेक्ट सीधे वर्टिब्रा दे देगा तो 7 आ जाएगा सर्वाइकल, और 5 थोरेसिक वाला, तो 12, ठीक है। सीधे वर्टिब्रा पूछ लिया तो कितने नंबर पे, तो 12 नंबर पे, अगर थोरेसिक वहाँ पे लगा देगा तब फिफ्थ लगाना है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, तो ध्यान रखना है हम लोगों को। इच ब्रोंकाई अंडर गोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन ए वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। जो प्रत्येक प्राइमरी ब्रोंकाई है वो रिपीटेडली डिवाइड करते चला जाता है, और डिवाइड करके क्या बनाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, और फिर टर्शियरी ब्रोंकाई वगैरह डिवाइड करके ब्रोंक्यूल्स का निर्माण करेगा, और फिर ये ब्रोंक्यूल्स भी फर्दर डिवाइड करता है, डिवाइड करके क्या बनाएगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। द ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई, ट्रैकिया और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस लिंक्स, ठीक है। कौन कौन, तो जो हमारा ट्रैकिया है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई है, और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, जो क्या होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग से सपोर्टेड रहता है, ठीक है, जो कि हमारे आगे की तरफ रहता है। फिगर में हम लोग देखेंगे जो ट्रैकिया होता है उसमें क्या होता है, इरेगुलर रहता है, इरेगुलर वे में, ठीक है, क्या रहता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या करता है, सपोर्ट करने का क्या करता है, काम करता है किसको, तो ये सारे जो स्ट्रक्चर है, ट्रैकिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, इसमें ही सिर्फ प्रेजेंट होता है, सिर्फ आगे की तरफ ही, डिंग के जैसा स्ट्रक्चर रहता है। इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वाल एंड वास्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई, और जो प्रत्येक टर्मिनल ब्रोंक्यूल है वो कहाँ पे खुल जाता है, बहुत सारे और पतले इरेगुलर वाल के वास्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुल जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल हो गया कहाँ पे खुल जाएगा, एल्वियोलाई में फाइनली खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्या हो गया, आ गया, पहुँच गया, अब यहाँ पर डिवाइड करना अब बंद हो जाएगा, ठीक है। तो एल्वियोलाई कैसा स्ट्रक्चर है, तो थिन है, इरेगुलर वाल्व है, और बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेज द लंग्स, ठीक है। जो ब्रांचिंग नेटवर्क है किसका,
तो ब्रोंकाइका, ब्रोंक्यूल्स का और अल्वियोलाई, ये सारा मिल करके लंग्स का निर्माण करता है। ठीक है, तो लंग्स क्या क्या चीज कंप्राइज करता है, तो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई। ठीक है, वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाई डबल लेयर पिल्यूरा विद पिल्यूरल फ्यूज बिटवीन देम। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कितने लंग्स हैं, दो लंग्स हैं। ठीक है, जो कि कवर है किसके द्वारा, डबल लेयर पिल्यूरल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहता है। पिल्यूरल मेम्ब्रेन के द्वारा कौन कवर रहता है, तो लंग्स कवर रहता है, और जो डबल लेयर पिल्यूरल मेम्ब्रेन है उसके बीच में पिल्यूरल फ्लूड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, पिल्यूरल फ्लूड। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो पेरिकार्डियम होता है वो कहाँ होता है, हार्ट का मेम्ब्रेन होता है पेरिकार्डियम, जबकि पिल्यूरा या पिल्यूरल मेम्ब्रेन जो होता है किसका, लंग्स का मेम्ब्रेन होता है। तो हार्ट का मेम्ब्रेन जो पेरिकार्डियम था उसमें भी पेरिकार्डियल फ्लूड भरा रहता है, और यहाँ पे पिल्यूरल मेम्ब्रेन में पिल्यूरल फ्लूड भरा रहेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, प्रॉपर याद रखना है हम लोगों को। ठीक है, यहाँ का वहाँ नहीं कर देना है, ऑप्शन आते हैं अगर कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए ध्यान रखना है क्या, पिल्यूरल मेम्ब्रेन लंग्स का और पेरिकार्डियम हार्ट का। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, जो क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है लंग सरफेस के, फ्रिक्शन जो होता है किसके दौरान, तो मूविंग और डाउन होते समय जो लंग्स का जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करने का काम करता है, कौन, प्लूरल मेम्ब्रेन और उसमें भरा हुआ प्लूरल फ्लूड। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद थोरेसिक सरफेस, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है किसका, प्लूरल मेम्ब्रेन का, जो थोरेसिक कैविटी के कॉन्टेक्ट में रहता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होता है तो लंग्स के सरफेस के कॉन्टेक्ट में रहता है। ठीक है, अंदर वाला तो लंग्स के कॉन्टेक्ट में होगा ना, और बाहर वाला थोरेसिक कैविटी के कॉन्टेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे चलिए फिगर के द्वारा समझते हैं अपना जो स्ट्रक्चर है लंग्स का। तो देखिए, फेरिंग्स के बाद वाला यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, तो फेरिंग्स के बाद क्या प्रेजेंट होता है, एपिग्लॉटी, जो क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है भोजन लैरिंग्स में नहीं जा सके। ठीक है, और ये हो गया लैरिंग्स, जिसे साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है, साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और लैरिंग्स कहाँ खुल जाता है, ट्रेकिया में, और ट्रेकिया फिर मिड थोरेसिक कैविटी में फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे या लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई में। ठीक है, और ब्रोंकाई में हो गया डिवाइड, यहाँ पे ब्रोंकस का निर्माण हो गया, और फिर ब्रोंकाई क्या करेगा, सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई में डिवाइड करते चला गया है। देख रहे हैं, ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, इसके जैसा तो ट्री के जैसा। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो अपना कवर होता है वो कैसा होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन होता है कवर, जो कि डबल लेयर का होता है, और उसमें प्लूरल फ्लूड भरा रहता है। और फाइनली क्या होता है, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो जाता है, और बैग लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारा बिखरा रहता है लंग्स में, जिसे एल्वियोलाई बोलते हैं, जो कैसा है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, थिन वॉल्ड है। ठीक है, ठीक है, एल्वियोलाई जो क्या है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, जहाँ से एक्सचेंज होता है गैसेज का, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, और ये प्लूरल फ्लूड बीच में रहता है प्लूरल मेम्ब्रेन का। और ब्रोंक्यूल तो हम लोग जानते ही हैं, ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई जो टर्मिनल ब्रोंकाई है वो डिवाइड करके ब्रोंक्यूल बनाएगा, फिर ब्रोंक्यूल डिवाइड करके फर्दर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल बना लेता है, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहाँ खुल जाएगा, एल्वियोलाई में। तो ये अपना स्ट्रक्चर था, और यहाँ पे भी गौर कीजिएगा, जो कार्टी ट्रेकिया है, ट्रेकिया से लेकर के कहाँ तक, तो जो इनिशियल ब्रोंक्यूल था वहाँ तक देखिए कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है, कार्टिलेजिनस रिंग्स देखने को मिल रहा है आगे की तरफ सिर्फ। ठीक है, आगे की तरफ कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारा अपना स्ट्रक्चर था, और इसे हम लोग को याद रखना है। ठीक है, तो क्या पढ़े थे, जो आउटर मेम्ब्रेन था, आउटर मेम्ब्रेन प्लूरल मेम्ब्रेन का, जो किसके कॉन्टेक्ट में था, थोरेसिक कैविटी के, जबकि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टेक्ट विद द लंग सरफेस, जबकि इनर जो मेम्ब्रेन होता है, इनर लेयर जो किसके कॉन्टेक्ट में होता है, किसके, तो लंग के सरफेस के। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्टिल अप टू द इंटरनल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट, वेयर इज द एल्वियोलाई एंड द एयर डक्ट्स फॉर द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जैसा कि जहाँ से कहाँ से, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है, जो आने का, एयर का आने और जाने का जो रास्ता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट में कौन कौन आ गया, तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर के जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कौन कौन आ गया, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नसल चेंबर क्या आ गया, फेरिंग्स आ गया, लैरिंग्स आ गया, ट्रेकिया आ गया, और ब्रोंकाई आ गया, और इनिशियल ब्रोंक्यूल आ गया, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल आ गया। तो यहाँ तक का जो भी पाथवे है वो क्या है, कंडक्टिंग पार्ट है। ठीक है, जबकि जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई क्या है, तो टर्मिनल बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वो ये क्या है, तो ये है क्या, एक्सचेंज पार्ट, जहाँ पे क्या होता है, गैसेज का एक्सचेंज होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई में, इसलिए इसे एक्सचेंज पार्ट बोला गया है, किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमोस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, और जो कंडक्टिंग पार्ट है क्या करने का काम करता है, तो एटमोस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक लाने का काम करता है, और साथ में क्या करता है, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, और फॉरेन पार्टिकल्स से इसे क्या करता है, छानने का काम करता है। ठीक है,
ह्यूमिडिफाइड एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। और एयर को क्या करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा, और जो भी उसमें क्या होगा डस्ट पार्टिकल होगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होगा, तो क्या होता है जो कंडक्टिंग पार्ट होता है उसमें म्यूकस रिलीज होता रहता है। तो म्यूकस क्या करेगा, जो डस्ट पार्टिकल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो म्यूकस में हम लोग जानते हैं म्यूकस क्या करेगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करेगा, उसमें फेगोसाइटिक सेल प्रेजेंट होगा जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाएगा, खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये सारा था। और साथ में क्या करता है, जो एयर आया बाहर से एटमोस्फेरिक एयर, उसका टेम्परेचर क्या है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर जैसा नहीं है, तो जो कंडक्टिंग पार्ट है इस एयर को बॉडी के टेम्परेचर के अनुकूल लाने में भी मदद करता है। ठीक है, एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमोस्फेरिक एयर। तुम लोग समझ गए कंडक्टिंग पार्ट कौन कौन है, कंडक्टिंग पार्ट का क्या फंक्शन है, और डिफ्यूजन पार्ट क्या है, डिफ्यूजन पार्ट एल्वोलाइक और इसका क्या फंक्शन है, तो डिफ्यूज करने का यानी कि एक्सचेंज करने का, तो इसलिए इसे एक्सचेंज पार्ट बोला गया है। ठीक, तो किसका एक्सचेंज करेगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, किसके बीच में, ब्लड और एटमोस्फेरिक एयर के बीच में एक्सचेंज करने का काम करेगा। ठीक है, कौन, एल्वोलाई। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। लोग जानते हैं कि जो हमारा लंग्स होता है वो कैसा है, थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड है। ठीक है, और इसका एनाटॉमिकली जो स्ट्रक्चर है कैसा स्ट्रक्चर है, तो एयर टाइट स्ट्रक्चर, इसमें एयर भरा रहता है। ठीक है, द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, थोरेसिक चैम्बर में पीछे क्या हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली, वेंट्रली यानी आगे क्या हो जाता है, स्टर्नम हो जाता है, और लेटरली क्या हो जाता है, रिब्स हो जाता है, एंड ऑन लोअर साइड बाय द डोम शेप डायफ्राम। ठीक है, तो ये सब मिल करके थोरेसिक कैविटी का निर्माण करता है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी में पीछे हो गया वर्टिब्रल कॉलम, आगे स्टर्नम, और आजू बाजू लेटरली क्या हो गया, रिब्स, और नीचे डोम शेप का डायफ्राम होता है। ठीक है, तो ये सब मिल करके क्या करता है, थोरेसिक कैविटी का निर्माण करता है। द एनाटॉमिकली सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग या पल्मोनरी कैविटी। इस ऐसा सेटअप है किसका, थोरैसिक कैविटी का, अगर इसमें कोई भी वॉल्यूम चेंज होता है, या वॉल्यूम कम होगा या ज़्यादा होगा, यही हो सकता है, तो कम होगा तो वैसा ही क्या होगा, लंग्स में भी होगा, यानी पल्मोनरी कैविटी, जो लंग का कैविटी उसे बोलते हैं। तो अगर थोरैसिक कैविटी में वॉल्यूम कम हुआ तो लंग के कैविटी में भी वॉल्यूम कम होगा, थोरैसिक कैविटी में वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग के कैविटी में भी वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, सच एन अरेंजमेंट इज इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, और ये अरेंजमेंट जो है किसका, किसका, तो थोरेसिक कैविटी का इसेंशियल है ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, बिना इसके हम लोग डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को नहीं कर सकते हैं, तो अल्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करता है, तो थोरेसिक वॉल्यूम पे, थोरेसिक वॉल्यूम जैसा रहेगा पल्मोनरी वॉल्यूम भी वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग को ही पल्मोनरी वेंटिलेशन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, एग्जाम में पल्मोनरी वेंटिलेशन करके भी क्वेश्चन आता है। ठीक, तो उसका मतलब ब्रीदिंग ही हुआ। बाई विच एटमोस्फेरिक एयर इज ड्राउन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो एटमोस्फेरिक एयर है, एटमोस्फेरिक एयर में क्या रहेगा, तो ऑक्सीजन रिच रहेगा, और जो हमारे एल्वियोलर का एयर है, जो हमारे बॉडी का एयर है, वो कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, तो इसका क्या होगा, क्या होगा, तो पहले आएगा और यहाँ पे एक्सचेंज होने के लिए आएगा। ठीक है, बॉडी से CO2 रिच एयर और एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन रिच एयर आएगा, कहाँ पे, एल्वियोलाई में। अगला है सेकेंड, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। अब दोनों गैस आ गया तो अब इसका क्या होगा, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, एक्सचेंज होगा डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, इसमें एल्वियोलाई में आ गया और फिर डिफ्यूज कर गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड। अब जो क्या हुआ, एल्वियोलाई के थ्रू क्या हुआ, तो डिफ्यूजन हुआ था, जो ऑक्सीजन रिलीज वाला आ गया था ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला चला गया था किस में, एटमोस्फेयर यानी एल्वियोलाई से बाहर चला गया था, यानी कि कहाँ पे चला गया, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ऑक्सीजन वाला जो आया ब्लड में, अब ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, तो ब्लड के थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन रिच वाला। और फोर्थ में आ जाता है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड गया कहाँ पे, हमारे बॉडी में, और बॉडी के पास जाएगा तो टिश्यू के साथ क्या होगा, डिफ्यूज करेगा। ठीक है, टिश्यू के साथ डिफ्यूजन होगा और ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड चला जाएगा टिश्यू में, फिर और टिश्यू का कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाला ब्लड आ जाएगा किस में, ब्लड में। ठीक है, ये कहाँ था, हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, जा रहे हैं, अभी टिश्यू में पहुँच गए, अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाला जो ब्लड है वो आ जाएगा फिर से कहाँ पे, एल्वियोलाई में, और फिर इसी प्रकार से प्रक्रिया चलता रहेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्ट एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या हुआ, जो ऑक्सीजन रिच क्या था, एयर था। ठीक है, उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लिया गया और
कैटाबोलिक रिएक्शन के थ्रू जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकला था उसे अब क्या किया गया, उसे अब बाहर निकाल दिया गया है सेल के द्वारा, ठीक है। तो सेलुलर लेवल तक हम लोग पहुँच गए, यहाँ तक क्या हो गया, गैसेस का एक्सचेंज इस प्रकार होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। आगे सारा मैकेनिज्म है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे स्टेप ही बताया गया था कि क्या क्या स्टेप है, ठीक है। आगे मैकेनिज्म है अपना ब्रीदिंग का, ये ब्रीदिंग कैसे होता है, कैसे होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जनरली जो एयर का फ्लो होता है वो कैसे होता है, एयर का फ्लो कैसे होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर फ्लो करता है, होता है यही ना, होता है हाई प्रेशर से लेकर के लो प्रेशर की ओर एयर फ्लो करता है। अगर प्रेशर ग्रेडियंट नहीं क्रिएट होगा तो क्या हो जाएगा, एयर का फ्लो बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे इन्वायरमेंट में भी एयर का फ्लो होता है तो हायर प्रेशर से लेकर के लोअर प्रेशर की तरफ भी होता है, अगर प्रेशर का ग्रेडियंट नहीं रहेगा तो एयर फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, और एयर फ्लो नहीं करेगा तो सारा मैकेनिज्म रुक जाएगा। तो ये हम लोग को याद रखना है, कहीं भी जब एयर का फ्लो होगा तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर, तो यही मैकेनिज्म हम लोग को अपनाना है और इसी मैकेनिज्म के थ्रू सारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेज, इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमोस्फेरिक एयर इज ड्राउन इन, ठीक है। ब्रीदिंग में दो स्टेजेज आता है, पहला इंस्पिरेशन, ठीक। इंस्पायरेशन में क्या होता है, क्या होता है, हम लोग इनहेल करते हैं, एटमोस्फेरिक एयर को इनहेल करते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं, और दूसरा स्टेज है क्या है, तो एक्सपायरेशन, जिसे एक्सहेल करते हैं, जो क्या है, क्या है, अल्वियोलर एयर, जो हमारे एल्वियोलाई में जो एयर है उसको हम लोग एक्सहेल करते हैं, तो इसे एक्सपायरेशन बोलेंगे। यानी हम लोग जब सांस लेते हैं, अंदर खींचे तो उसे क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन, और सांस को बाहर छोड़िए तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन, ठीक है। बाई विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, ठीक है। द मोमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाई क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमोस्फियर, और जो भी मूवमेंट हो रहा है एयर का लंग्स से एटमोस्फेयर के थ्रू या एटमोस्फेयर से लंग की ओर, तो ये सारा जो क्या मूवमेंट हो रहा है प्रेशर ग्रेडियंट के क्रिएट होने के कारण हो रहा है। किसके बीच में, ये प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, तो लंग्स और एटमोस्फेयर के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है जिसके कारण एयर का मूवमेंट संपन्न हो रहा है। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ प्रेशर विद इन द लंग्स, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, लंग्स के प्रेशर को क्या बोलेंगे, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। इंस्पायरेशन बोले तो जब अंदर हम सांस लेते हैं, और अंदर हम सांस कब लेंगे, जब क्या होगा, जब लंग्स का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, लंग्स का प्रेशर कम होगा तब ये ना, और बाहर का प्रेशर, एटमोस्फेयर का प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, तो हाई होगा बाहर वाला, अंदर वाला क्या है, लो है, तो कहाँ से कहाँ तक एयर का फ्लो होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो अंदर लो है और बाहर हाई है, तो बाहर से अंदर की तरफ एयर इंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंस्पायरेशन बोले तो इनहेल हो गया, हम लोग सांस खींच लिए, ठीक है। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, और इस प्रकार से एक्सपायरेशन में क्या होता है, अब एक्सपायरेशन में उल्टा हो जाएगा, एक्सपायरेशन में ये होता है कि जो हमारा क्या है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, जो लंग्स का प्रेशर है वो क्या हो गया, जब हम सांस लिए अंदर तो क्या हो गया, अब प्रेशर या क्या हो गया, हाई हो गया, अंदर वाला प्रेशर अब बढ़ गया और बाहर वाला प्रेशर अंदर वाले प्रेशर के कंपेयर में कम है, तो फिर अंदर वाला जब हाई है और बाहर वाला कम है तो एयर का फ्लो किधर से किधर होगा, अंदर से बाहर की ओर, तो अंदर से बाहर की ओर जब होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सांस छोड़ेंगे, ठीक। तो ये सांस छोड़ने का जो प्रोसेस है ये होगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण जो लंग्स से जो एयर का फ्लो है एटमोस्फेयर की तरफ हो जाता है। द डायफ्राम एंड ए स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स, और इस प्रकार के जो ग्रेडियंट्स है किसका, प्रेशर का, ये कौन क्रिएट करने में हेल्प करता है, हेल्प करता है कौन, तो कुछ मसल होते हैं रिब्स में, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होता है रिब्स में, ठीक है। अंदर की तरफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिब्स में और बाहर की तरफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। और साथ में डायफ्राम होता है जो नीचे होता है लंग्स के नीचे, थोरेसिक कैविटी के नीचे डायफ्राम, ये दोनों के मिल करके प्रेशर ग्रेडियंट को क्या करने में, क्रिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम व्हिच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, इंस्पायरेशन हम कब करेंगे, जब क्या होगा, डायफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब क्या, नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट किया, नीचे की ओर बढ़ा, तो नीचे की ओर डायफ्राम बढ़ा, डायफ्राम जब नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा जो थोरेसिक वॉल्यूम है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब देखिए डायफ्राम यहाँ पर थोरेक्स में हमारा क्या है, नॉर्मल पोजिशन में, अब ये नीचे की तरफ क्या हो गया, पेट की तरफ
क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पेट की तरफ जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो हमारा थोरेसिक का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो कैसे बढ़ जाएगा, ऊपर और नीचे वाले एक्सिस में ही बढ़ेगा ना। डायफ्राम नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो वॉल्यूम किस ओर बढ़ेगा, तो नीचे और ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो इसे एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ क्या हो जाता है, वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर का बढ़ जाता है। किसके, तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल डिप्स अप द डिप्स एंड द स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, ठीक है। और जो क्या होता है, जो हमारा क्या है, स्टर्नम है और डिप्स है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे थोरेक्स का जो वॉल्यूम है किस पोर्शन में, आगे और पीछे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। डायफ्राम ऊपर और नीचे वाला, ऊपर और नीचे की तरफ वॉल्यूम को बढ़ा दिया डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया तो, और स्टर्नम और डिप्स जब फैलेगा तो क्या होगा, जो हमारा आगे वाला और पीछे वाला वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा। इस प्रकार से थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो किसके कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, तो डायफ्राम के द्वारा, और साथ में क्या, डायफ्राम हो गया, और साथ में ये डायफ्राम क्या, तो ऊपर नीचे वाला वॉल्यूम बढ़ गया, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और क्या, रिब्स, और फिर साथ में क्या, स्टर्नम, ये तीनों मिलकर के कौन सा वॉल्यूम बढ़ा देगा, तो आगे और पीछे वाला, ऊपर और नीचे वाला डायफ्राम और आगे और पीछे वाला, ये कौन कौन, रिब, स्टर्नम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। देखिए वॉल्यूम जब बढ़ाना है तो इसमें रोल किसका आएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। अब जब वॉल्यूम कम करना रहेगा तो वॉल्यूम कम में किसका रोल रहेगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का, ये बात याद रखना है। जब हम लोग क्या करेंगे, सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसमें किसका रोल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। और जब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपायर करेंगे, एक्सपीरेशन करेंगे, सांस को छोड़ेंगे बाहर की तरफ, तो इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का रोल रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो थोरेसिक वॉल्यूम है क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज ए सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। अब भैया देखिए, जब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया क्या करेगा, वॉल्यूम जब थोरेसिक का बढ़ गया तब क्या करेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी उसी प्रकार से बढ़ जाएगा, ठीक है। थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा तब पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। वॉल्यूम और प्रेशर में उल्टा चलता है हर एक जगह, कहीं पे केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, ठीक है। ये सिर्फ केमिस्ट्री में ही लागू नहीं होता है, ठीक है, बायोलॉजी में भी लागू होता है। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर जब अंदर का कम हो गया है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर जब अंदर का कम हो गया किसके अपेक्षा, बाहर की अपेक्षा, प्रेशर जब कम हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, एयर को अंदर की तरफ खींचेंगे, ठीक है, अंदर आ जाएगा एयर, प्रेशर कम अंदर का है इसलिए, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया तो एयर अंदर आ गया, यानी इंस्पिरेशन हम लोग करेंगे। एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर व्हिच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, ठीक है। और जो इस प्रकार से क्या हुआ, जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ गया, और पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया तो फिर साथ में क्या हो गया, पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा, और पल्मोनरी प्रेशर जब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एटमोस्फेरिक प्रेशर से, तो जो एयर है आउटसाइड से हमारे लंग्स की तरफ क्या हो जाएगा, मूव करेगा, और आउटसाइड से अंदर की तरफ लंग्स की तरफ जब मूव करेगा तो इसे क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहा जाएगा इंस्पिरेशन। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, ठीक है। अब सांस ले लिए, अब क्या करेंगे, सांस को छोड़ेंगे, तो सांस को छोड़ेंगे तो जस्ट अपोजिट होगा, सांस को कब छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे तो चलिए जानते हैं कब छोड़ेंगे, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम। अब क्या करेगा, जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अब क्या करेगा, रिलैक्स हो जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, यानी कि अब ऊपर आ जाएगा, ठीक है, रिलैक्स हो गया ऊपर आ गया तो। एंड द इंटरकोस्टल मसल रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम्स टू द देयर नॉर्मल पोजिशन एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। और फिर क्या किया, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अब क्या किया, स्टर्नम को और रिब्स को अपने नॉर्मल पोजिशन में ला दिया, ठीक है, और डायफ्राम भी अपने नॉर्मल पोजिशन में आ गया है। तब अब क्या होगा, जो हमारे थोरेसिक का वॉल्यूम है वो क्या हो गया, कम हो गया, थोरेसिक का वॉल्यूम कम हो गया तो हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो गया, यानी कि लंग्स का भी वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमोस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, थोरेसिक वॉल्यूम कम हो गया, कब कम हो गया, तो डायफ्राम रिलैक्स हो गया, स्टर्नम रिलैक्स कर गया, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल था वो क्या किया, स्टर्नम और रिब्स को क्या कर दिया, अपने ओरिजिनल शेप में ला दिया, यानी कि रिलैक्स करा दिया। और जब रिलैक्स हो गया सारी चीज़, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, थोरेसिक वॉल्यूम कम हो गया, तो इस प्रकार से पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हो गया, कम हो गया। और वॉल्यूम जब कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो गया, एटमोस्फेरिक प्रेशर से हाई हो गया हमारे लंग्स में, ठीक है। जब हम लोग, तो जो प्रेशर हो गया क्या हो गया, हाई हो गया, तो प्रेशर जब हाई हो जाएगा तो एयर का मूवमेंट किधर से किधर होगा,
हाई से लो की ओर, और अंदर हाई है बाहर लो है, तो लंग्स से लेकर के एटमोस्फेयर की तरफ एयर क्या करेगा, मूव कर जाएगा। तो इस प्रकार से एक्सपायरेशन होता है, यानी हम सांस को छोड़ते हैं, सांस के छोड़ने के दौरान ये सारा प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए मैकेनिज्म इंस्पायरेशन का और एक्सपायरेशन का कैसे होता है, क्या क्या मैकेनिज्म होता है। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। हम लोग अपने जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के एबिलिटी को क्या है, बढ़ा भी सकते हैं। तो कब बढ़ाएंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, हमारे अंदर जो एब्डोमेन में है क्या एक्स्ट्रा मसल क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा मसल जब निर्माण हो जाएगा, एडिशनल मसल का जब निर्माण हो जाएगा, तो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं अपने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो किस प्रकार से, जब मसल कब इंक्रीज होगा, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज करेंगे तो इस प्रकार से नए मसल बनेंगे, और नए मसल बनेंगे तो ये हमारे जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देंगे। ऑन एन एवरेज हिंदी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो इस प्रकार से जो एक एवरेज ह्यूमन होता है, एडल्ट ह्यूमन जो होता है, वो एक मिनट में 12 से 16 बार क्या करता है, क्या करता है, ब्रीथ करता है, सांस लेता है। ठीक है, सांस लेने में क्या आ गया, सांस लेने में दोनों प्रोसेस आ गए, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों भी। तो हम लोग कितने बार करते हैं एक मिनट में, 12 से 16 बार। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाई यूजिंग ए स्पायरोमीटर विच हेल्प्स इन ए क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। और जो हमारे जो क्या है, ब्रीदिंग में जो एयर का वॉल्यूम है उसको हम लोग किसके द्वारा मापते हैं, तो स्पायरोमीटर से। स्पायरोमीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रीदिंग में जो एयर हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं उसको माप सकते हैं। ठीक है, और एयर को हम लोग मापेंगे और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, क्लिनिकल जो भी हो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अगर वॉल्यूम कम हो गया तो उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने का प्रयास करेंगे। तो ये सारा जो पता चलता है स्पायरोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो देखिए हमारे जो लंग्स का जो वॉल्यूम होता है और कैपेसिटी होता है वो कैसा होता है, क्या क्या होता है, कितना एयर हम लेते हैं, छोड़ते हैं नॉर्मल सांस में, और कितना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कितना हम जब लंबा सांस लेंगे, जोर से लेंगे, तो कितना एयर ले सकते हैं, और जब लंबा सांस हम छोड़ेंगे तो कितना छोड़ सकते हैं। तो इस सारे को क्या क्या, सारे जो वॉल्यूम है, जो भी कैपेसिटी है लंग्स का, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए जानते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, और उसके बाद हम लोग उसके कैपेसिटी को जानेंगे, जो लंग्स का कैपेसिटी उसके बारे में। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में सबसे पहले आ जाता है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, या टाइडल वॉल्यूम ऑफ एन एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, क्या नॉर्मल रेस्पिरेशन, या नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान जो एयर हम क्या करते हैं, अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन, जबकि हम लोग अभी जैसे नॉर्मली रेस्पायर कर रहे हैं, तो कितना वॉल्यूम लेते हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन के दौरान, और कितना छोड़ते हैं नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान, तो इस वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। इट इज अप्रोक्स 500 ml, जो हम कितना, जो कितना है, 500 ml। ठीक है, हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 ml to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। ठीक है, जो क्या है, जो हमारा टाइडल वॉल्यूम है, जो नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान, यानी जब नॉर्मल सांस लेते हैं हम, तब कितना एयर हम लोग लेते हैं अंदर, नॉर्मल सांस लिए तो 500 ml, ठीक है, आधा लीटर, और जब नॉर्मल सांस जब छोड़ते हैं, एक्सपायर करते हैं, तो 500 ml एयर हम लोग बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एक मिनट में इतना एयर ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं। तो एक मिनट में हम लोग 12 से 16 बार क्या करते हैं, सांस लेते हैं, और एक सांस के दौरान हम लोग 500 ml लेते हैं या छोड़ते हैं। ठीक है, तो 12 × 5 = 60, यानी 6000, एंड 16 × 5 = 80, तो 6000 से लेकर के 8000 ml एयर हम लोग एक मिनट में लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, ये अपना क्या था, टाइडल वॉल्यूम, जो कि कितना था, 500 ml। ठीक है, और अगला है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी कहने का मतलब इंस्पायरेशन। ठीक है, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कैसा होता है, क्या होता है, चलिए जानते हैं। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, क्या एडिशनल, एडिशनल लगा दिया है, तो एडिशनल वॉल्यूम जो होगा एयर का, एक पर्सन के द्वारा कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पायरेशन। ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम बोले तो टाइडल वॉल्यूम को छोड़ करके जो एडिशनल वॉल्यूम हम लंबे सांस लेने के समय लेते हैं, ठीक है, वो क्या, उसे क्या बोला जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। ठीक है, तो एक्स्ट्रा हम लोग जैसे क्या हुआ, हम लोग नॉर्मल सांस लिए, ठीक है, सांस लिए 500 ml, 500 ml लिए, तो हम लोग छोड़ेंगे भी कितना, नॉर्मल सांस के दौरान 500 ml छोड़ दिए। ठीक है, तो 500 ml तो हम लोग जैसे इंस्पायरेशन के दौरान 500 ले लिए, और 500 लेने के बाद ऊपर से लेंगे हम लोग, ऊपर से जोर से खींचेंगे, तो ऊपर से हम लोग कितना एयर ले सकते हैं, 2500 से लेकर के 3000 ml। तो ये क्या हो गया, जो एक्स्ट्रा एडिशनल वॉल्यूम होगा एयर का इंस्पायरेशन के दौरान, जो हम लोग ले सकते हैं फॉरसीबल इंस्पायरेशन के दौरान, जो कितना होता है, 2500 से 3000 ml। ठीक
ठीक है, जिसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। इसे याद रखना है, सबका अमाउंट याद रखना है। आइडियल वॉल्यूम का 500 ml, IRV का यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का 2500 से 3000 ml। अगला है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपायरेशन वाला आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा एडिशनल वॉल्यूम इसमें भी आ जाएगा, यानी टीडल वॉल्यूम को छोड़ करके जो एक्स्ट्रा एयर जो हम लोग क्या कर सकते एक्सहेल करते हैं यानी फॉरसीबल एक्सपीरेशन के दौरान, उसे हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे, टीडल वॉल्यूम को छोड़ करके इसमें भी, ठीक है। तो एडिशनल वॉल्यूम किसके एडिशनल, तो टाइडल वॉल्यूम के एडिशनल में जो भी वॉल्यूम हम लोग क्या करते हैं एक्सपायर करते हैं यानी छोड़ते हैं फॉरसीबल एक्सपायरेशन के दौरान, तो इस एवरेज वॉल्यूम को बोला जाता है क्या, क्या बोला जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 1000 ml से 1100 ml तक हो सकता है। कितना, 1 लीटर से 1100 ml, ठीक है। कौन, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सबका अमाउंट याद रखना है। टीडल वॉल्यूम का 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का यानी कि फॉरसीबल इंस्पायरेशन के दौरान चुन लेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml। ये सब लोगों को याद रखना है, इसे एक क्वेश्चन आते ही है नीट में, ठीक है। अगला है अपना रेसिजुअल वॉल्यूम। तो रेसिजुअल मतलब जो क्या कहेगा बच्चा रहेगा लंग्स में हमारे, ठीक है। रेसिजुअल वॉल्यूम, नहीं वो बाहर आ सकता है नहीं वो अंदर जा सकता है, ठीक है। तो रेसिजुअल वॉल्यूम जो क्या होगा, जो परमानेंट के लिए लंग्स में उतना रहेगा भी, यानी अगर हम पूरा सांस छोड़ भी दें, लंबा सांस छोड़ भी दे, उसके बाद भी हमारे लंग्स में कितना एयर बच जाता है, तो इसे बोलते हैं रेसिजुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फॉरसीबल एक्सपायरेशन दिस एवरेज कितना 1100 to 1200 ml, ठीक है। तो रेसिजुअल वॉल्यूम जो हम लोग छोड़ सकते हैं यानी जो बच जाता है हमारे लंग्स में फॉरसीबल एक्सपायरेशन के दौरान, फॉरसीबल एक्सपायरेशन में कितना आ गया था, कितना आया था फॉरसीबल एक्सपायरेशन में 1000 to 1100 ml, जबकि रेसिजुअल वॉल्यूम कितना है 1100 ml से 1200 ml, ठीक है। तो ये अपना वॉल्यूम वाला पूरा कॉन्सेप्ट था। टीडल वॉल्यूम 500 ml, उसके बाद IRV कितना 2500 से 3000 ml, उसके बाद ERV कितना 1000 ml से 1100 ml, उसके बाद रेसिजुअल वॉल्यूम RV कितना 1100 ml से 1200 ml। तो ये सब हम लोग को याद रखना है, इस ये याद रहेगा तभी हम लोग किसको कैपेसिटी को मेजर कर पाएंगे, लंग्स की कैपेसिटी को, जो विभिन्न कैपेसिटी ही होता है उसको हम लोग ये सारे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। बाई एडिंग अप ए फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अबव वन कैन ड्राइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज विच कैन बी यूज इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो फर्स्ट में आ जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसको बोलेंगे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन दिस इंक्लूड्स टीडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। एक पर्सन क्या कर सकता है, क्या कर सकता है इंस्पायर कर सकता है एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, ठीक है। एक नॉर्मल, एक मान लो नॉर्मल एक्सपायरेशन हम लोग कर दिए छोड़ दिए, उसके बाद हम लोग कितना एयर क्या कर सकते हैं इंस्पायर कर सकते हैं, कितना जो हमारा लंग्स में एयर बच जाता है वो, ठीक है। तो बच जाएगा कितना टीडल वॉल्यूम और प्लस IRV, ठीक। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम TV प्लस IRV इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में आ जाएगा, ठीक है। टोटल वॉल्यूम जो क्या एक एयर का बच जाता है हमारे लंग्स में किसके बाद, तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, ठीक है। वो सारा जो कैपेसिटी हुआ उस टाइम का वो उसे बोला जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में किसको इंक्लूड किया गया, TV प्लस IRV, टोटल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, ठीक है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है तो ये नॉर्मल एक्सपिरेशन के दौरान, ठीक है, नॉर्मल एक्सपेरेशन के बाद जो बच जाता है तो इसमें आ जाता है इंस्पिरेटरी में, तो इंस्पिरेटरी आ ही जाएगा IRV और साथ में TV भी रहेगा टीडल वॉल्यूम भी, और एक्सपायरेटरी में इसी प्रकार से आ जाएगा क्या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में ERV और इसमें भी TV रहेगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर, टोटल वॉल्यूम जो एयर का होगा एक पर्सन क्या कर सकता है एक्सपायर कर सकता है एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, यानी एक नॉर्मल इंस्पायरेशन सांस लिए उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कितना वॉल्यूम एयर का हम लोग एक्सपायर कर सकते हैं, तो उसको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड क्या इंक्लूड करेगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो ये इंक्लूड करेगा ERV तो रहेगा ही और साथ में TV तो रहेगा ही, ठीक है। तो TV इसमें रहेगा ही, ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में, और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में भी TV रहेगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है तो उसमें जोड़ देंगे IRV, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है तो उसमें जोड़ देंगे ERV, ठीक है। और IRV हम लोग जानते हैं IRV कितना आ जाता है, कितना 2500 से 3000 ml, और TV तो जानते हैं 500 ml, और TV प्लस ERV कितना आ जाता है 1000 ml से 1100 ml, और TV कितना 500 ml। तो इसको जोड़ देंगे और टोटल वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, एग्जाम में सारा दिया रहेगा अमाउंट और उसको जोड़ करके जो होता है कैलकुलेशन करके हम लोगों को क्या करेगा फाइनली आंसर निकालना रहेगा। तो अगला है फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी, जो फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी में किसको किसको रखा गया है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। जो एयर का वॉल्यूम बच जाता है, एयर का बच जाता है हमारे किसमें लंग्स में नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, ठीक है, तो इसे बोला जाता है फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेसिजुअल कैपेसिटी, रेसिजुअल मतलब बच कितना जाता है,
ठीक है, तो बचेगा कम जब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमारे लंग्स के अंदर कितना एयर का वॉल्यूम बच जाता है, तो कितना बच जाएगा नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान, नॉर्मल एक्सपायर कर दिए उसके बाद कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा आरवी तो रहेगा ही, ठीक है, आरवी तो रहेगा, आरवी रहेगा ना, और साथ में इसमें क्या जोड़ देना है, ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, प्लस रेसिजुअल वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाएगा, ईआरवी कितना होता है 1000 से 1100, और आरवी कितना होता है 1100 से 1200, तो हो गया अपना ये 2200 से 2300 में, ठीक है। अगला है वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है, इसमें क्या होगा फोर्सफुल एक्सपायरेशन और फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद कितना हमारे लंग्स में एयर बच जाएगा, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ठीक है, मैक्सिमम एयर कितना एक पर्सन क्या कर सकता है, कितना ले सकता है, इंस्पायर कर सकता है फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद, लंबा सांस छोड़ने के बाद एक पर्सन कितना मैक्सिमम वॉल्यूम एयर का ले सकता है, भैया फोर्स्ड एक्सपायरेशन की है तो ये वाला तो लेंगे ही, जो छोड़े वो तो लेंगे ही, और साथ में क्या लेंगे, साथ में क्या लेंगे, आई आर बी भी लेंगे, ठीक है, जो छोड़े वो लेंगे और साथ में क्या लेंगे, आई आर बी लेंगे और टी बी तो लेंगे, ठीक है, तो ये सब हम लोग को आ गया, दिस इंक्लूड्स ई आर बी टी बी आई आर बी, ठीक है, तो इसमें किस किस को रखा गया, ई आर बी यानी जो छोड़े वो तो लेंगे ही भैया ना, जो छोड़े वो थोड़ी छोड़ देंगे, जो छोड़े उतना लेंगे, और एडिशन कितना लिए, एडिशन नॉर्मल वाला लेंगे और एडिशन जोड़ लगा के कितना लेंगे, आई आर बी लेंगे, तो ई आर बी प्लस टी बी प्लस आई आर बी, इस सबको क्या कर गया, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक, तो वाइटल कैपेसिटी में आ जाता है क्या, आप टोटल कितना कितना दे सकते हैं इसके बाद एक्सपायरेशन के बाद, और आप टोटल कितना छोड़ सकते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद, ठीक है, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट, ठीक है, आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन, या आप कितना क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम एयर छोड़ सकते हैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद, आप लंबा सांस लिए जोर से और उसके बाद आप टोटल कितना वॉल्यूम मैक्सिमम आप छोड़ सकते हैं, और आप क्या किए, आप क्या किए, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या किए, आप छोड़ दिए यानी लंबा सांस छोड़ दिए और उसके बाद आप कितना वॉल्यूम ले सकते हैं टोटल, तो क्या क्या लेंगे, टी वी लेंगे और जो छोड़े वो तो लेंगे ई आर बी, और ऊपर से आप कितना ले सकते हैं आई आर बी, ठीक है, तो ई आर बी टी वी प्लस आई आर बी इस टोटल को क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, और टोटल लंग कैपेसिटी है अगला, तो वाइटल कैपेसिटी में क्या जोड़ देना है, आर बी जोड़ देंगे रेसिजुअल वॉल्यूम, तो टोटल लंग कैपेसिटी निकल जाएगा, तो टोटल लंग कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट इंस्पायरेशन, दिस इंक्लूड्स आर वी ई आर वी टी वी एंड आई आर वी और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिजुअल वॉल्यूम, ठीक है, तो टोटल लंग कैपेसिटी में क्या आ जाएगा, जो रेसिजुअल वॉल्यूम वो तो रहेगा ही परमानेंट के लिए, और फोर्सफुल इंस्पायरेशन के दौरान हम लोग कितना लिए थे, कितना लिए थे, ई आर वी लिए थे, जो छोड़े थे वो लिए थे, और टी वी लिए थे और आई आर वी लिए थे, तो उसमें हम लोग आर वी जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी, तो टोटल लंग कैपेसिटी को ऐसे भी निकाल सकते हैं, पूरा जोड़ दीजिए आर वी ई आर वी टी वी और प्लस आर वी प्लस आई आर वी, ठीक है, और ऐसे भी निकाल सकते हैं, या दूसरा फॉर्म ये है वाइटल कैपेसिटी में आर बी जोड़ दीजिए रेसिजुअल वॉल्यूम तो भी निकल जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी, तो ये क्या करना है, हम लोगों को याद रखना है टोटल लंग कैपेसिटी और क्या क्या वॉल्यूम है उसको, इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। ना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो जो गैस का एक्सचेंज है वो कैसे होता है, तो गैस का एक्सचेंज कहाँ पे हुआ, तो एल्वोलाई में, जो क्या है प्राइमरी साइट है गैस के एक्सचेंज के लिए, एल्वोलाई आर द प्राइमरी साइट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, और जो गैस का एक्सचेंज है ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है, तब ना ये टिश्यू क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड देगा ब्लड को, और ब्लड ऑक्सीजन वाला क्या करेगा ब्लड देगा टिश्यू को, तो कहाँ पे देखने को मिलता है एल्वोलाई में, और दूसरा कहाँ पे, तो टिश्यू और ब्लड के बीच में भी, ठीक है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज इन दिस साइड बाई सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, ठीक है। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है किसके द्वारा होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है, जो किसके बेस पर होता है, तो प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के बेस पे होता है, ठीक है। इसका एक्सचेंज तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। सोलुबिलिटी ऑफ गैसेज एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो रेट है डिफ्यूजन का, ठीक है, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड ये किस चीज़ पे करेगा, जो सोलूबल हो रहा है, जो सोलुबिलिटी है गैस का वो कैसा है, ठीक है, और सोलुबिलिटी पे डिपेंड करेगा फर्स्ट में, और उसके बाद इसके द्वारा वो क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, जिस मेम्ब्रेन के द्वारा वो डिफ्यूज हो रहा है उस मेम्ब्रेन का थिकनेस क्या है, मोटाई क्या है, तो ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है, सोलुबिलिटी ऑफ गैस पे और जो मेम्ब्रेन है उसके थिकनेस पे, ठीक है। ये दोनों चीज़ क्या कर सकता है, डिफ्यूजन के रेट को अल्टर कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाई एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड इज रिप्रेजेंटेड एट पी, लगाते देते हैं पी लगा देते हैं पहले पार्शियल के पार्शियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये क्या हो गया PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम लोग जो जानते हैं जैसे मोल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन में जैसा क्या होता है, टोटल ले लेते हैं मोल, उसके बाद उसका
पार्टिकुलर मोल से डिवाइड कर देते हैं। तो इसी प्रकार से पार्शियल जब निकालना रहता है तो पार्शियल भी इसी प्रकार से निकलता है। तो जो प्रेशर कंट्रीब्यूट होता है एक इंडिविजुअल में गैस के मिक्सचर में, तो उसे क्या करते हैं, जो प्रेशर जो गैस के मिक्सचर में इन्वॉल्व हुआ है उसे बोलेंगे पार्शियल प्रेशर उस गैस का, ठीक है। तो इस प्रकार से पार्शियल प्रेशर हम लोग किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करेंगे टोटल मिक्सचर में से इसको निकालेंगे और उसी को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस टू गैसेज इन द एटमोस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन टेबल, ठीक है। जो पार्शियल प्रेशर है गैस का एटमोस्फेयर में और दोनों साइड लोलाई में और टिश्यू में यहाँ पे टेबल में दिखाया गया है, ठीक है। द डाटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडिएंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम लोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू, ठीक है। जो एक्सचेंज है और कंसंट्रेशन का जो भी ग्रेडियंट है उसके अनुसार जो ब्लड और टिश्यू में क्या ऑक्सीजन का क्या कंसंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन उसको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ये डाटा दिखाया गया, डाटा को हम लोग को याद नहीं रखना है, डाटा हम लोग अभी अंडरस्टैंड कर लेंगे फिगर के द्वारा, ठीक है। ये फिगर है, यहाँ पे हम लोग को डाटा क्या करना है, मेमोराइज करना है, ठीक है। हम लोग इंस्पायर का जनरली इंस्पायरेशन का पढ़ते हैं। इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, हम लोग बाहर के एटमोस्फेरिक एयर को एल्वोलाई में खींचते हैं, एल्वोलाई में आया और एल्वोलाई में जब एटमोस्फेरिक एयर आएगा उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ज़्यादा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होगा तो इसमें जो पार्शियल प्रेशर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ठीक है, उल्टा बोला गया, ठीक है। तो जो क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एल्वोलाई में ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो कितना mmHg होता है, तो 104 mmHg होता है, 104 mmHg होता है, किसका, इंस्पायरेशन के दौरान पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वोलाई, ठीक है। और जो एल्वोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कहाँ से आया, जो हमारे बॉडी से आया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, वो एल्वोलाई में उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है, 40 mmHg, ठीक है। पार्शियल प्रेशर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mm और इसका ऑक्सीजन का 104 mm, किसमें, एल्वोलाई में, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ये याद रखना है, 104 और 40, 104 हो गया ऑक्सीजन का और 40 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए फिर क्या हो गया, यहाँ पे फिर एल्वोलाई में डिफ्यूज करेगा और ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजन आ जाएगा कहाँ पे, ब्लड में ऑक्सीजन वाला, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा एल्वोलाई में, ठीक है। तो ऑक्सीजन आ गया जब ब्लड में तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, किसमें, वेन में, ठीक है, पल्मोनरी वेन में, और उसके बाद आर्टरीज में। हम लोग जानते हैं कि जो लंग से जो क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है वो कौन लाता है, पल्मोनरी वेन लाता है, ठीक है। पल्मोनरी एक ऐसा वेन है जो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन बाकी सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करने का काम कौन करता है, वो आर्टरीज करता है। तो पल्मोनरी वेन लाया कहाँ से, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ पे, हार्ट में, ठीक है, हार्ट में लाया और हार्ट पंप कर दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे, बॉडी में, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी में चल जाएगा आर्टरीज के द्वारा, ठीक है, बॉडी में आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के द्वारा। तो ये क्या हो गया, तो आर्टरीज में हो जाएगा जो कंसंट्रेशन है किसका, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, 95 mmHg, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg, ठीक है। और एल्वोलाई में भी 40 mmHg था किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और आर्टरी में भी 40 mmHg है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहाँ, यहाँ 40 mmHg हो गया किसमें, आर्टरीज में, तो यहाँ पे फिर आ गया यहाँ पे बॉडी टिश्यू में, बॉडी टिश्यू में फिर क्या होगा, ब्लड डिफ्यूज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाला चला जाएगा कहाँ पे, ब्लड में, और ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा टिश्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिफ्यूजन होगा, उसके बाद डिऑक्सीजनेटेड ब्लड चल जाएगा वेन के थ्रू कहाँ पे, हार्ट में, वेन के थ्रू जब हार्ट में जाएगा तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो कितना होगा, 45 mmHg, जबकि ऑक्सीजन जो होगा कितना होगा, 40 mmHg, ठीक है। ये सारे हम लोग को याद रखना है कि जब टिश्यू में क्या होता है पार्शियल प्रेशर, और आर्टरीज में क्या होता है, वेन्स में क्या होता है, एल्वोलाई में क्या होता है। तो एल्वोलाई में कितना था, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इंस्पिरेशन के दौरान जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का एल्वोलाई में 104 mmHg होता है, ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg होता है। और उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें आर्टरीज में भी 40 mmHg होता है, जबकि ऑक्सीजन का 95 mmHg होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना हो जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से, तो कितना कम रहता है, इसमें ज़्यादा गैप नहीं रहता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 4 ही कम रहता है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो 40 mmHg रहेगा किसका, ऑक्सीजन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और 45 mmHg रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। ये हम लोग को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो यही सारा टेबल में बताया गया था कि क्या होता है पार्शियल प्रेशर, कहाँ पे कितना होता है वो सब, ठीक है।
ए ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन आई फ्रॉम टिश्यू टू द ब्लड एंड ब्लड टू द अल्वोलाई। ठीक है, यहाँ पे भी ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, कहाँ से, टिश्यू से ब्लड में, और ब्लड से फिर अल्वोलाई के लिए भी यहाँ पे ग्रेडियंट प्रेजेंट रहता है। एज द सोलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो सोलिबिलिटी होता है, सोलिबिलिटी बोले तो डिफ्यूजन, कितना ये डिफ्यूज कर सकता है, तो जो डिफ्यूज करने का जो क्षमता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो 20 से 25 गुना है ऑक्सीजन की अपेक्षा में। ठीक है, जो सोलिबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 20 से 25 टाइम्स हायर है, किससे हायर, तो ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना ज़्यादा है सोलिबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन परसेंट प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो क्या होगा, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से पर यूनिट डिफरेंस में अगर बात करें, तो पार्शियल प्रेशर होता है किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्या होता है, 20 से 25 गुना ज़्यादा होता है, यानी जो डिफ्यूजन का रेट है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा में कार्बन डाइऑक्साइड का 20 से 25 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोलते हैं अल्वोलाई का मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कितने लेयर का बना होता है, 3 मेजर लेयर का। फर्स्ट वाला जो होगा, थिन वाला जो होगा, स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम होगा, ठीक है, फर्स्ट वाला, और वो उसके नीचे, सबसे नीचे वाला क्या होगा, इंडोथेलियम और एल्वियोलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस ऑफ ए थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वेमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर इंडोथेलियल सेल्स इन बिटवीन देम। ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है किसके बीच में, इंडोथेलियम और स्क्वेमस एपिथेलियम के बीच में। कितने मेम्ब्रेन हो गए, 3 मेम्ब्रेन, जो ऊपर वाला स्क्वेमस एपिथेलियम और नीचे वाला इंडोथेलियम, और उसके बीच में कौन आ जाएगा, उसके बीच में आ जाएगा कौन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये 3 लेयर था एल्वोलाई में प्रेजेंट, जो किसके लिए उत्तरदायी है, तो डिफ्यूजन के लिए, और डिफ्यूजन के लिए उत्तरदायी है, तो इसलिए इसे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन 1 मिलीमीटर, ये लगाया हुआ है 1 मिलीमीटर, ठीक है, इसलिए इसका जो थिकनेस होता है किसका, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है उसका जो थिकनेस होता है 1 मिलीमीटर से भी कम होता है, 1 मिलीमीटर से भी कम होता है, किसका थिकनेस, तो अल्वेलर मेम्ब्रेन बोलिए या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोलिए, ठीक है, उसका 1 मिलीमीटर से क्या होता है, थिकनेस कम होता है, 1 मिलीमीटर से कम होगा तो मान लीजिए 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अल्वोलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू अल्वोलाई। ठीक है, इस प्रकार से जो भी सारा फैक्टर है हमारे बॉडी के लिए फेवरेबल है, ठीक है, और फेवरेबल रहेगा तो क्या करेगा, डिफ्यूजन आसानी से हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारा था ऑक्सीजन का अल्वोलाई से टिश्यू तक, ठीक है, डिफ्यूज होना, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू से अल्वोलाई तक। ठीक है, ये सारा जो क्या है मैकेनिज्म है, वो प्रेशर ग्रेडियंट पे काम करता है, और प्रेशर ग्रेडियंट हम लोग जान चुके हैं कि कहाँ पे क्या प्रेशर आता है, और उस प्रकार से भी क्या होता है, जो फ्लो है वो चलता रहता है, और ये साइकिल पूरा चलता रहता है। ठीक है, अपना तो डिफ्यूजन हो गया, अब अपना है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, जो गैस का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो ब्लड है मीडियम का काम करता है इसके लिए, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाई RBCs इन द ब्लड। ठीक है, लगभग कितने, 97% जो क्या होते हैं ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है RBC के थ्रू होता है ब्लड में। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या करना, याद रखना है 97% जो क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसके थ्रू, RBC के थ्रू क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ब्लड में 97% ऑक्सीजन कितने, कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, RBC के थ्रू ब्लड में। ठीक है, द रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन कहाँ से कैरी होगा, वो प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, 97% कहाँ, RBC के थ्रू, ब्लड के थ्रू, जबकि 3% कहाँ पे, 3% जो हो गया प्लाज्मा के थ्रू। नियरली 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाई RBC, जबकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25% ही कितना RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जबकि 70% इसके द्वारा बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है, और 20 से 25 किसके रूप में, तो कार्बन डाइऑक्साइड RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और जो 7% बच गया वो किसके द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा, तो ये प्लाज्मा के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है हम लोगों, 97% ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है RBC के द्वारा ब्लड में। ठीक है, जबकि जो रिमेनिंग 3% है वो प्लाज्मा के द्वारा ऑक्सीजन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें तो 20 से 25% RBC के द्वारा। ठीक है, और 70% बाई कार्बोनेट के द्वारा, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड,
बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है 70% कौन कार्बन डाइऑक्साइड और 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है किसके द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा। तो ये हम लोग को याद रखना है, इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का वो कैसे होता है, होता कैसे है भैया, तो ये जानना है। चलिए जानते हैं, हेमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। हेमोग्लोबिन हम लोग जानते हैं कि रेड कलर्ड कंटेनिंग पिगमेंट है जो हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हेमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन है हेमोग्लोबिन से क्या होता है, रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करता है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है, इच हेमोग्लोबिन मोलक्यूल कैन कैरी ए मैक्सिमम 4 मोलक्यूल्स, और प्रत्येक जो हेमोग्लोबिन है, एक हेमोग्लोबिन का मोलक्यूल जो है मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन गैस के मोलक्यूल को कैरी कर सकता है। ठीक है, O2 लिखा हुआ है, O2 मोलक्यूल्स को, O2 O एटम को नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन मोलिक्यूल को 4 मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स को हेमोग्लोबिन बाइंड कर सकता है, एक हेमोग्लोबिन बाइंड कर सकता है या कैरी कर सकता है। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग हेमोग्लोबिन से वो रिलेटेड है किससे, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कैसा है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कैसा है उस पर ही डिपेंड करेगा बाइंडिंग किसका, ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन से। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर्स विच कैन इंटरफियर विद दिस बाइंडिंग। और क्या है, ये जो ऑक्सीजन का बाइंडिंग है हेमोग्लोबिन से वो कौन कौन चीज पे डिपेंड कर सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का उस पे, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर पे, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे, ये सारे चीज पे डिपेंड कर सकता है। तो चलिए जानते हैं, ये सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेंड व्हेन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एक सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन किया जाता है ग्राफ, ठीक है, अगर सैचुरेशन हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के सैचुरेशन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होता है, तो सिग्मोइड ग्राफ हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और इस कर्व को बोलते हैं क्या, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, जो कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन एच प्लस कंसंट्रेशन इटीसी। ठीक है, और इसके थ्रू हम लोग क्या आसानी होती है किसके, इसको स्टडी करने में जो इफेक्ट है किसका, किसका इफेक्ट, जो बाइंडिंग होता है हेमोग्लोबिन का किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, उसके स्टडी को हम लोगों को करने में सुविधा होती है। और ये देखने को मिलता है कि और कौन से फैक्टर है इसको अफेक्ट कर रहा है, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, एच प्लस का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, यही सब अफेक्ट कर सकता है। और बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग होने पे ये सारे जो फैक्टर है वो अफेक्ट कर सकता है, वो हम इस ग्राफ के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इन द एल्वोलाई वेयर देयर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एल्वोलाई में ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो एल्वोलाई में क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का हाई होता है, जबकि लो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लो होगा, पार्शियल प्रेशर लो होगा, तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, लो होगा, और वहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होता है, लो होता है। तो क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर तीनों जब लो रहेगा तो ये ऑक्सीजन के बाइंडिंग के लिए फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल क्या है, ज़्यादा है, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड का, एच प्लस का, टेम्परेचर का क्या है, लो है, तब ये ऑक्सीजन बाइंड करेगा हेमोग्लोबिन से। ठीक है, तो ये जो सारा फैक्टर है वो ऑक्सीजन के बाइंडिंग के लिए क्या है, फेवरेबल है। द फैक्टर्स ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और ये फैक्टर कौन फैक्टर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, हाइड्रोजन प्लस का यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो ये अगर कंडीशन है तो यहाँ पे हेमोग्लोबिन का बाइंडिंग ऑक्सीजन के साथ होगा। वेयर एज इन द टिश्यूज वेयर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई एच प्लस कंसंट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट। ठीक है, जबकि इसके विपरीत टिश्यू में हमारे क्या होता है, टिश्यू में जो हायर कंसंट्रेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड जब हायर है तो एच प्लस भी क्या होगा, हायर होगा, और टेम्परेचर भी हायर रहता है, तो ये अनफेवरेबल है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग के लिए फेवरेबल हो जाएगा। द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो जो यहाँ का कंडीशन है कहाँ का, टिश्यू का, तो इसके डिसोसिएशन के लिए उत्तरदायी है। देखिए, ऑक्सीजन के एसोसिएशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो ऑक्सीजन के एसोसिएशन के लिए एल्वोलाई में होना चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना चाहिए, और एच प्लस कंसंट्रेशन भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए एल्वोलाई में, और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, तभी ऑक्सीजन बाइंड करेगा एल्वोलाई में। ठीक है, हेमोग्लोबिन के साथ, जबकि इसके विपरीत कंसंट्रेशन होता है टिश्यू में, टिश्यू में कंसंट्रेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा, ऑक्सीजन का कम,
और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है तो एच प्लस का भी ज़्यादा होगा और टेम्परेचर हाई होता है। तो ये फेवरेबल क्या है, डिसोसिएशन, यानी क्या होने के लिए, वहाँ तो टूटा था, डिसोसिएशन का मतलब यहाँ पे अब क्या होगा, अलग होगा। तो ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन से अलग होने के लिए क्या है, फेवरेबल है। ठीक है, ये सब हम लोग को याद रखना है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंडेड क्लियरली गेट्स बाउंड टू हेमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट्स डिसोसिएट द टिश्यू। और ये हमें बताता क्या है, क्या इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन का जब हाई मात्रा होगा लंग्स में तो ये हेमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, जबकि ऑक्सीजन का मात्रा किसमें, टिश्यू में कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये भी हम लोग को याद रखना है कि जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड क्या होता है, ब्लड होता है, वो कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, तो 5 ml को, 100 ml 5 ml को करेगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। जबकि 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि 5 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड को 100 ml ट्रांसपोर्ट करता है। ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, क्या क्या फेवरेबल कंडीशन होने चाहिए उसके लिए चलिए जानते हैं, ठीक है। CO2 इज कैरीड बाई हेमोग्लोबिन एज कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन। जो CO2 ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा, RBC के द्वारा, ठीक है। RBC में क्या प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन, जो क्या करता है, बाइंड करने का काम करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को। तो ऑक्सीजन किसके, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के द्वारा, ठीक है। और ब्लड के द्वारा हम लोग जानते हैं कि 20-25% कार्बन डाइऑक्साइड ही ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इज ए मेजर फैक्टर व्हिच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या होना चाहिए, दो क्या है, पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, इसके लिए भी क्या, ये भी फैक्टर अफेक्ट कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के बाइंडिंग में, ठीक है। तो कौन कौन फैक्टर अफेक्ट कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के बाइंडिंग के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वो फर्स्ट आ गया, उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो, और दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो एज इन द टिश्यू मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर वेयर एज व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई इन द एल्वोलाई डिसोसिएशन ऑफ किसका, डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो उसके उल्टा जस्ट, ठीक है, क्या होता है कि जो क्या होता है, जो हमारे टिश्यू है वहाँ पे जो ऑक्सीजन का लेवल होता है क्या होता है, कम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टिश्यू में बाइंड कर जाएगा, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वहीं पे ना हेमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो ये तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो कार्बन एमिनो हेमोग्लोबिन बन गया कहाँ पे, टिश्यू के साइड पे, ठीक है। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड हो गया हेमोग्लोबिन, ठीक है। जबकि जो यहाँ पे कहाँ पे एल्वोलाई में जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कम होता है ऑक्सीजन की अपेक्षा में, वो ये उत्तरदायी है डिसोसिएशन के लिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर कम होगा तो वहाँ पे डिसोसिएशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एसोसिएशन होगा, ठीक है। यही है CO2 विच इज बाउंड टू हेमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड एट द एल्वोलाई, ठीक है। जो CO2 क्या किया, बाउंड किया हेमोग्लोबिन के साथ, क्या किया, बाउंड किया कहाँ पे, तो टिश्यू के साइड पे, और ये टिश्यू के साइड पे बाइंड करके कार्ब एमिनो के फॉर्म में कहाँ चल जाएगा, कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में चल जाएगा एल्वोलाई के पास, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगा, तो वहाँ पे डिसोसिएशन हो जाएगा इसका। RBC कंटेन ए वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, और RBC कंटेन क्या क्या करता है, बहुत सारे कंसंट्रेशन रहता है इसमें एंजाइम का, और ये एंजाइम क्या कंटेन करता है, कार्ब एमिनो एनहाइड्रेज, ठीक है। कौन सा है एंजाइम, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, RBC में, और ये किसके लिए उत्तरदायी है, किसके लिए, तो ये बना देता है बाइकार्बोनेट बना देता है उसके लिए उत्तरदायी है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट होता है RBC में एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू, और कुछ जो इसका है इसी प्रकार से क्या होता है प्लाज्मा में भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेगा, तो यहाँ पे रिएक्शन दिखाया गया है, ठीक है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर गया H2O के साथ, ठीक है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट बना लेगा, ठीक है, और बाइकार्बोनेट बना लिया, फिर बाइकार्बोनेट को अब क्या करना है, बाइकार्बोनेट ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो फिर बाइकार्बोनेट टूट जाएगा तो फिर क्या बना लेगा, बाइकार्बोनेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ये बना लेगा, ठीक है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंट में क्या होता है प्लाज्मा में और RBC में क्या हो जाता है, बाइकार्बोनेट बना लेता है, ठीक है। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म, ठीक है,
टिश्यू लेवल पे जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का हाइट होता है, क्योंकि जो टिश्यू लेवल पे ही यानी सेल लेवल पे चलता है ये कैटाबोलिज्म रिएक्शन, तो वो कैटाबोलिज्म रिएक्शन के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो रिलीज होगा टिश्यू के साइड पे, कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पर ना हाई होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे हाई होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन इन टू ब्लड, ठीक है, आरबीसी एंड प्लाज्मा, और वहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड और आरबीसी में क्या होता है, डिफ्यूज कर जाता है, मिल जाता है, एंड फॉर्म्स बाइकार्बोनेट आयन एंड एच प्लस, और वहाँ पे क्या बना लेगा, टिश्यू के साइड पे आरबीसी और प्लाज्मा के से एसोसिएट करके बना लेता है बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, और हाइड्रोजन प्लस आयन। एट द एल्वियोलर साइड वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, और हम लोग जानते हैं कि एल्वियोलर साइड पे एल्वोलाई में लंग्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है कम होता है, द रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, और यहाँ पे क्या होगा, टिश्यू के साइड पे क्या बना लिया, एसोसिएट होकर के बाइकार्बोनेट, और लंग्स में क्या बना लेगा, डिसोसिएट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड टूट जाएगा, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अलग और वाटर अलग बन जाएगा। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो, ठीक है, दस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वियोलाई इज रिलीज आउट एज CO2। ठीक है, ठीक है, जो क्या हुआ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में ये डायरेक्टली नहीं ये ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन तो हम लोग जानते हैं कि वो किसके थ्रू, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनाकर, और क्या, बाइकार्बोनेट के रूप में। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट टिश्यू लेवल पे बना लिया, और बाइकार्बोनेट के रूप में ये कहाँ गया, एल्वोलाई के पास, जहाँ पे फिर ये टूट जाता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिलीज हो जाता है एल्वोलाई से एटमोसफेयर में चला जाता है। ठीक है, तो ये सारा मैकेनिज्म चलता रहता है। ठीक है, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वोलाई। ठीक है, वहाँ पे 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने, 5 ml ऑक्सीजन को क्या करते थे, डिलीवर करते थे, जबकि यहाँ पे 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को ही डिलीवर करता है, 1 ml कम हो गया यहाँ पे। ठीक है, याद रखना इसको। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, यानी जो रेस्पायरेशन का जो भी प्रोसेस है मैकेनिज्म, वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है, तो रेगुलेट तो होगा हमारे ब्रेन के द्वारा ही, तो ब्रेन के किस पार्ट के द्वारा रेगुलेट होता है वो हम लोग को पढ़ना है। ह्यूमन बींग्स हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पायरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज। ठीक है, हम लोगों के पास क्या होता है, एबिलिटी होता है मेंटेन करने का। ठीक है, किसको, तो रेस्पायरेटरी रिदम जो होता है उसको हमारे बॉडी के डिमांड के अनुसार पे क्या करना होता है, मेंटेन करने का, क्या होता है, मेंटेन करने का हम लोग के पास एबिलिटी होता है। ठीक है, दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, और ये एबिलिटी तो होता है, तो एबिलिटी होता है तो ये करने का काम कौन करता है, ये एबिलिटी है तो फंक्शन कौन करेगा, इस एबिलिटी को कंट्रोल कौन करेगा, मेंटेन कौन करेगा, तो हमारा न्यूरल सिस्टम ही कंट्रोल करेगा, यानी कि ब्रेन ही कंट्रोल करेगा। तो ब्रेन में कौन पार्ट, एक स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन, और जो भी रेगुलेशन होता है रेस्पायरेटरी सिस्टम से या रेस्पायरेटरी फंक्शन के, वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो न्यूरल सिस्टम के द्वारा, और न्यूरल सिस्टम में भी किसके द्वारा, तो मेडुला रीजन के द्वारा। ठीक है, मेडुला रीजन के द्वारा, मेडुला के द्वारा। ठीक है, और मेडुला में क्या होता है, एक रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल है रेस्पायरेटरी रेगुलेशन के लिए, कौन सा, तो ब्रेन के द्वारा तो होगा ही, ब्रेन में किस पार्ट के द्वारा, मेडुला के द्वारा। मेडुला में क्या प्रेजेंट होता है, तो रेस्पायरेशन के लिए अपना उसका एक पार्टिकुलर पार्ट होता है रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, जिसके द्वारा सारा फंक्शन जो रेस्पायरेशन का है रेगुलेट होता है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, और दूसरा भी एक सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन का जो पॉन्स रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है एक दूसरा सेंटर जो भी क्या करता है, जो हमारे रेस्पायरेटरी रिदम को मेंटेन करने का काम करता है, तो वहाँ पे कौन सा सेंटर प्रेजेंट होता है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर मेडुला में, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे, पॉन्स में। ठीक है, पॉन्स में न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पायरेटरी रिदम। ठीक है, न्यूरल सिग्नल ये क्या करते हैं, जो पॉन्स रीजन में क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, तो इससे ये सिग्नल देगा, अगर क्या करना है रेस्पायरेशन के रेट को क्या करना है, कम करना है, तो ये क्या करेगा, सिग्नल देगा। ठीक है, एक केमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर विच इज हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन। ठीक है, एक केमोसेंसिटिव एरिया भी प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, तो रिदम सेंटर जो हो गया उसके एडजेसेंट में, जो रिदम सेंटर है उसके एडजेसेंट में क्या होता है, एक केमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के सेंसिटिविटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन, तो केमो सेंसिटिव एरिया जो कहाँ है, तो रिदम सेंटर के एडजेसेंट में ही प्रेजेंट है। ठीक है, इंक्रीज इन
दीज सब्सटेंसेज कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। अगर ये सब्सटेंस कौन सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो जाता है तब ये सेंटर क्या होता है, एक्टिवेट होता है। कौन सेंटर? केमोसेंसिटिव। ठीक है, विच इन टर्न कैन सिग्नल द ब्रीदिंग सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दिस सब्सटेंस कैन बी इलिमिनेटेड। ठीक है, और जो ये क्या है केमोसेंसिटिव एरिया क्या करेगा, सिग्नल देगा किसको, ब्रीदिंग सेंटर को, कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। ठीक है, अब क्या कीजिए आप इसको कंट्रोल करने का काम कीजिए। तो रिदम सेंटर फटाफट इसको क्या करेगा, कंट्रोल करने के लिए फिर से सिग्नल भेजेगा और कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करेगा। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद ऑर्टिक आर्क, जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है कहाँ पे, ऑर्टिक आर्क जो एसोसिएटेड रहता है एंड कैरोटिड आर्टरी। कौन कौन? ऑर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन प्लस कंसंट्रेशन एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शन। अगर रेमेडियल एक्शन के दौरान क्या होता है, जो अगर बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाता है तो ये काम ऑर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्क के द्वारा भी रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है कि भैया अब ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, हाइड्रोजन प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो अब क्या करेगा ये रिसेप्टर, क्या करेगा, संदेश भेजेगा किसको, रिदम सेंटर को, ये भी भेजने का काम करता है। और कौन भेजने का काम करता है, तो केमोसेंसिटिव एरिया भी ये काम करता है। ठीक है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज क्वाइट सिग्निफिकेंट। जो रोल होता है ऑक्सीजन का रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में वो क्वाइटली होता है, कम ही देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और एच प्लस का ही रोल देखने को मिलता है जनरली। यहाँ पे डिसऑर्डर्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, क्या क्या डिजीज कॉज हो सकता है जनरली नॉर्मल डिजीज, उसके बारे में चलिए जानते हैं। अस्थमा जो हम लोग जानते हैं, इज ए डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग। ठीक है, ड्यू टू किसके लिए, तो अस्थमा, अस्थमा में क्या होता है, वीजिंग होता है, खांसी होने लगता है। ठीक है, और ये खांसी क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स है उसका इन्फ्लामेशन हो गया है। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स का, जिसके कारण क्या होता है, हमें सांस लेने में कठिनाई होती है और काफ़ी वीजिंग होता है। ठीक है, और इस डिजीज को क्या बोलते हैं, अस्थमा। अगला इम्फाइसेमा, इम्फाइसेमा ये सिगरेट पीने से होता है, ये स्मोकिंग करने वाले को इम्फाइसेमा। ठीक है, ये जो क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वाल्स आर डैमेज, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो एल्वियोलाई का जो वाल है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग की जगह जो एल्वियोलाई का वाल है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और डैमेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो रेस्पिरेशन के लिए जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो सांस लेने में क्या होगी, कठिनाई होगी, और सांस लेने में कठिनाई होगी फिर क्या होगा, फिर तो जानते ही क्या होगा, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, तो इम्फाइसेमा में होता है जो एल्वियोलाई का वाल है वो डैमेज हो जाता है, जिसके कारण जो सरफेस एरिया है किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। ठीक है, इम्फाइसेमा में यहाँ पे आ जाता है क्या, ओआरडी, क्या ओआरडी, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो ये क्या होता है, ऑक्यूपेशनल यानी पेशिया, पेशा वाला है। इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, इंडस्ट्री में होता है, कहाँ पे, जनरली स्टोन की इंडस्ट्री में, और कहाँ हो सकता है, ग्राइंडिंग वाले इंडस्ट्री में, जहाँ पे क्या होता है, धूल कण क्या होता है, नाक के थ्रू हमारे लंग्स में जाता रहता है। ठीक है, जो हमारे लंग्स को क्या कर सकता है, हानि पहुँचा सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, जो क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे लंग्स में। ठीक है, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगा किसका, ब्रोंकाई का, ब्रोंकियोल्स का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इसके कारण क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, क्या हो जाएगा, कौन डिजीज हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस में क्या होता है, तो वही होगा जो अस्थमा में होता है। ठीक है, जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स, वो सब इन्फ्लामेशन उसका हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये सब प्रोलिफरेट हो जाएगा फाइब्रस टिश्यू लंग्स का, एंड दस कॉजिंग ए सीरियस लंग डैमेज, और इस प्रकार से लंग डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रेफर किया जाता है जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में होता है वो ना हो, इसके लिए जो इंडस्ट्री में काम करते हैं लोग उसके लिए प्रोटेक्टिव मास्क लगाना जरूरी रहता है। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव मास्क लगाइए ताकि ये कम हो सके, धूलकण हमारे अंदर कम जा सके और ओआरडी नहीं हो सके। और ओआरडी से कौन सा डिजीज होता है, ओआरडी फाइब्रोसिस। ठीक है, फाइब्रोसिस ये याद रखना है हम लोगों को। तो अपना चैप्टर समाप्त हो गया, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सारा एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन पहुँचता रहे और पीआई की सेशन, एमसीक्यू सेशन जो भी आएगा आप तक पहुँचता रहेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइट एंड टेक केयर।